good morning students i am samira pahawa your computer teacher students we are reading our chapter 3 working with windows and we learned about how to create a folder rename a folder delete a folder and etc etc today we will complete the lesson by doing some more topics of the lesson so our in our last class we learned how to डिलीट ए फोल्डर कि हमने अपना फ़ोल्डर अगर हमें कोई फोल्डर डिलीट करना है तो हम उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब भी हम अपने कंप्यूटर में से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो वो सारा जाकर सेव हो जाता है रिसाइकिल बिन में अब रिसाइकिल बिन क्या होता है रिसाइकिल बिन इज़ अ फोल्डर दैट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स रिसाइकल बिन एक फोल्डर होता है जिसमें सारी डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स जाके सेव हो जाते हैं इट मीन्स दैट द फाइल्स हैव नॉट बीन परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर इसका मतलब है कि हम जो फाइल डिलीट करते हैं वो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट नहीं होती बिकॉज कई बार हम किसी फाइल को एट दट स्पॉट डिलीट कर देते हैं और बाद में हमें लगता है कि हमें वो फाइल चाहिए थी हमें वो फ़ाइल डिलीट नहीं करनी चाहिए थी तो इसीलिए कंप्यूटर उसको एक फ़ोल्डर में साइकिल बिन में सेव रखता है तो अगर हम कोई फ़ाइल डिलीट करके रिसाइकल बिन में डाल देते हैं तो हम उसको वहाँ से कैसे रिस्टोर कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करना है देन वो फाइल या फोल्डर जिसको हमने रिस्टोर करना है हमें उसे सिलेक्ट करना है देन क्लिक ऑन द रिस्टोर दिस आइटम बटन तो हमारी फाइल जहाँ से डिलीट हुई थी वहीं पर जाकर फिर से सेव हो जाएगी अगर हम अपने रिसाइकिल बिन को कम्प्लीटली फ्री करना चाहते हैं खाली करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं हमें ऑप्शन मिलता है वहाँ पर क्लिक ऑन द एमपटी द रिसाइकिल बिन अगर हम अपने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करते हैं तो वहाँ से फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है उसके बाद हम उसे रिस्टोर नहीं कर सकते सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉपिंग और मूविंग अ फाइल और फोल्डर कि हम अपने कंप्यूटर में एक ही फाइल को दूसरे प्लेस पे कैसे मूव कर सकते हैं या फिर एक ही फाइल की डुप्लिकेट कॉपी बनाकर उसे कहीं और पर भी सेव कर सकते हैं सो so, कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर मीन्स क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ इट एंड प्लेसिंग इट एट अनदर लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर मीन्स की कापी करना किसी फाइल को उसका मतलब होता है कि हम उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर उसे कंप्यूटर में किसी और जगह पर भी रख सकते हैं और वहाँ पर जहाँ पर पहले है वहाँ पर भी वो सेव रहती है दो जगह पर हम सेम कापी रख लेते हैं इट्स लाइक अ फोटो स्टेट कॉपी ऑफ एनी पेज जैसे आप किसी पेज की फोटोस्टेट कॉपी बना लेते हो वैसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की वो उस फाइल की फोटोस्टेट कॉपी बना लेता है और उसे दूसरी प्लेस पे भी मूव कर देता है नेक्स्ट है हमारा मूविंग अ फाइल फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन टू अनदर प्लेस तो मूविंग ए फाइल्स का मीन्स जैसे कि इसके नाम में है कि हमने किसी फाइल या फोल्डर को एक प्लेस से दूसरी लोकेशन पर मूव करना है ठीक है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं हमने सेम इस फोल्डर को जिस भी फोल्डर को हमने कॉपी या मूव करना है उसे सिलेक्ट करेंगे देन ऑर्गेनाइज बटन पर हमें ऑप्शन मिलेंगे देखो यहाँ पर कट और कॉपी दोनों ऑप्शन हैं हमें जो कट करना है तो हम कट पर क्लिक करेंगे और अगर कॉपी करना है तो हम कॉपी पर क्लिक करेंगे देन हमें फिर हमें जो भी फाइल या फोल्डर जहाँ पे हमने मूव करनी है वो वाली लोकेशन को ऑन करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके हमने पेस्ट पर क्लिक करना है अगर हमने कट किया है तो हमारी फ़ाइल वहाँ से मूव हो जाएगी अगर कॉपी किया है तो दोनों लोकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी नेक्स्ट है हमारा सर्चिंग फाइल और फोल्डर स्टूडेंट्स समटाइम्स हम अपने कंप्यूटर में कुछ फ़ाइल्स का नाम भूल जाते हैं तो हम उसे भी सर्च कर सकते हैं हमें स्टार्ट बटन के पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिलता है सर्च बॉक्स मिलता है उस सर्च बॉक्स में हम कोई भी प्रोग्राम या फाइल सर्च कर सकते हैं नाउ आवर लेसन थ्री इज़ कंप्लीटेड थैंक यू हैव एन आई